हे गाइस, तो आज है 19th of September। कल मतलब 20th September से मेरे माइनर्स, मिड सेम्स या जो भी कह लो वो वाले एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आईआईटी दिल्ली के माइनर्स कैसे होते हैं कैंपटेक स्टूडेंट के लिए शेयर कर लूं। अरे वाह, गुड आइडिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि मेरे जो है टोटल 4 माइनर एग्जाम्स हैं, 20th को, 21st को, 22nd को एंड 23rd को। रोज एक एग्जाम है। बहुत लोगों के एक दिन में दो एग्जाम्स भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है। तो कल मतलब 20th को मेरा पहला एग्जाम है एडवांस्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का। चलो पढ़ने का भी हो जाएगा, लेकिन सबसे मेन दिक्कत मेरे को ये हो रखी है कि प्रोफेसर ने बोला है कि हमको जो एग्जाम का सॉल्यूशन होगा वो लेटेक्स के अंदर टाइप करके सबमिट करना है। अब लेटेक्स भाई जिंदगी में कभी यूज पहले किया नहीं है, अब पता नहीं कैसे उसको सीखना पड़ेगा, और आज के आज ही सीखना है, आज के आज ही सिलेबस को कंप्लीट करना है और कल पेपर देना है। कि हमने लास्ट लेक्चर था हमारा थर्सडे को कुआ का, हमने सर से पूछा था कि सर हमारा माइनर का सिलेबस कहाँ तक है, तो सर ने बोला था कि आज जहाँ तक पढ़ा है ना बस यहीं तक आएगा, इसके आगे का नहीं पूछूंगा, ये मत करो। ये क्या बात करता है यार। हमारे प्रोफेसर का ही डायलॉग्स है कि एवरेज स्टूडेंट वॉच वीडियोस, गुड स्टूडेंट रीड बुक्स। तो यहाँ पे आने के पहले बुक्स रीड करने की अच्छे से हैबिट डाले। तो यार अभी बज रहे दिन के 2:30, अभी मैं पढ़ के उठा हूँ, मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं कुआ के, अभी मेरे को 3 चैप्टर और कवर करना है, तब जाके भाई कल कुछ पेपर देने लायक होगा। अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद वापस पढ़ने बैठेंगे। तो अगर ये फंस गया तो यार मेरे साथ हो गई है चोट। मैंने सोचा था कि लंच के बाद थोड़ा आधे घंटे का पावर नैप ले लेता हूँ, और मैं 3 बजे सोया था, मैं सोचा था 3:30 नहीं तो एटमैक्स 4 बजे उठ के पढ़ना वापस स्टार्ट कर दूंगा। अभी 6 बज रहे हैं। तो अभी बज रहे रात के 12:30। फाइनली मैंने एक बार का कोर्स खत्म किया है, कल सुबह 8 बजे पेपर आएगा, तो देखते हैं अब कितना सॉल्व हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। मैंने अपनी तरफ से तो काफी हद तक पढ़ने का ट्राई किया ही है। तो अभी बज रहे 8:15, 15 मिनट बाद पेपर आने वाला है यार। होप सो पेपर अच्छा जाए यार, बहुत मेहनत से रात भर जाग के कोर्स खत्म किया है, अब इसका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, देखते हैं कैसा जाता है। तो अभी बज रहे हैं 4, मैंने जस्ट अपना माइनर का पेपर सबमिट किया है। तो कल पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी रेगुलर अटेंड करी थी, उसके बाद आज माइनर में आए थे 6 क्वेश्चन, 6 में से मुझसे सॉल्व हुए 1। खेलना ही नहीं है मुझे यार, पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी 3 माइनर और पढ़ने बैठ जाते हैं अभी से। चल देखा आ गया ना औकात पे। आज है डे नंबर 2, माइनर एग्जाम नंबर 2। आज के पेपर के यार अंदर से बहुत अच्छी फील आ रही है, क्योंकि DSA का पेपर है, एकदम अच्छे से पढ़ा है भाई, अच्छा पेपर जाना चाहिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छा जाएगा। छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। तो यार अभी बज रहे हैं 12, मैंने जस्ट अपना डेटा स्ट्रक्चर वाले एग्जाम का पेपर सबमिट किया है। आज का पेपर थोड़ा मतलब ना अच्छा गया ना बुरा गया, जितना अच्छा सोचा था उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन बुरा भी नहीं गया। 35 नंबर का पेपर था, 5 क्वेश्चन थे, 1 घंटे का पेपर था, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें थोड़े 10 के लगभग नंबर आ जाने चाहिए। कल मेरा है क्रिप्टोग्राफी का पेपर। क्रिप्टोग्राफी भाई बहुत बुरा सब्जेक्ट लगता है यार, उसमें पूरा मैथ्स 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 होता है, देखते हैं क्या होता है। ये जो था ये मेरा ओपन बुक और ओपन नोट्स एग्जाम था, इसमें नेट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अपने पास जो नोट्स है क्लास नोट्स उनको आप रेफर कर सकते, तो इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा चला गया ये पेपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शाम को 4 बजे जो है, जैसे कि हमको TSC असाइन होती है, तो शाम को 4 बजे किसी और कोर्स का पेपर है, उसमें मुझे एज ए इन्विजिलेटर जाना है, तो 2 घंटे वहाँ पे जाने। बज रहे 4:15, मेरे को जिस एग्जाम का इन्विजिलेशन करना था वो एग्जाम चालू हो चुका है, अभी मैं इन्विजिलेशन कर रहा हूँ। मतलब देख रहे हो कल मेरा पेपर है, लेकिन मेरे को पढ़ने के बाद ये ड्यूटी करनी पड़ रही है। कोई सेंस है इस बात की? बेटा जो सरकार 12,000 रुपए देगी ना, उस फ्री में नहीं देगी, तुमको काम करना पड़ेगा, समझे? यार एक बात तो पता चल गई,
जब अपन एग्जाम शीट के इस तरफ होते ना तो टाइम बहुत धीरे निकलता है। तब अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है और मुझे लग रहा है यार कब खत्म होगा ये, और ये जो एग्जाम दे रहे हैं ना इनको पक्का लग रहा होगा यार टाइम कम पड़ रहा है, कितना टाइम इतनी जल्दी क्यों निकल रहा है। चलो ये खत्म हो, उसके बाद मेरे को कल वाले माइनर्स का भी पढ़ना है यार। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। यार अभी बज रहे 8, मेरा तीसरा एग्जाम है आज, 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा पेपर। 3 बजे सो जाता हूँ और अभी उठा हूँ, बस किसी ना किसी तरीके से एक बार का कोर्स कंप्लीट किया क्योंकि कल पूरे दिन पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। देखते हैं आज का पेपर कैसे जाता है। पेपर खत्म हुआ है अभी, 1.5 घंटे का पेपर था, 100 नंबर का पेपर आया था, 12 क्वेश्चन थे। मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व करने लायक थे, बाकी देख के भी नहीं ले भाई। यार ये चाहते क्या है हमसे? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। पहले लोग कहते थे कि भाई फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में CGPA बनाना बहुत जरूरी, ऐसे बनेगी CGPA? अब बस कल एक आखिरी पेपर है, देखते हो कैसा जाता है। आज वाले एग्जाम के बाद ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। प्रोफेसर ने बोला था कि तुम मेरी स्लाइड्स पढ़ लो, तुमसे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर मेरी स्लाइड से ही आएगा। मैं इसी चक्कर में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो स्लाइड्स पढ़ के गया हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं था स्लाइड से, एक भी नहीं। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। हमारा जो कोका एग्जाम था ना उस पर हमारे प्रोफेसर ने प्लेजरिज्म चेक लगाया था, तो अभी उसका रिजल्ट आ चुका है कि हमारा कितना परसेंट ऑफ द जो आंसर है वो प्लेजराइज्ड आया है, देखते हैं। 8% मैंने तो कुछ इधर उधर देखा भी नहीं था यार। कल मेरा है सोशल नेटवर्क एनालिसिस वाला एग्जाम, वैसे तो मैंने सोचा था थोड़ा इसके लिए जल्दी पढ़ना चालू कर दूंगा, लेकिन यार मेरा एक असाइनमेंट था उसका थोड़ा सा पार्ट बाकी था कोड अप करना, तो वो फिनिश किया है मैंने, फिर खाना वाना खाया और अब मैं पढ़ने बैठूंगा। अभी बज रहे हैं 9:15, मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सोशल नेटवर्क एनालिसिस का 9 बजे। इतना अच्छा लग रहा है कि बस आखिरी एग्जाम है, उसके बाद माइनर्स खत्म, लेकिन इसके बाद सारे असाइनमेंट के सबमिशन से 26 को 28 को वो करना पड़ेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, लेकिन इसे अंदर से तड़प मचती कि भाई जल्दी खत्म हो, बस खत्म हो जाए किसी भी तरीके। अब जैसे भी गए हैं यार, रिलेटिव रीडिंग होगी, देखा जाएगा, बस खत्म हो जाए यार बस। और आज का एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है मैंने, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आज का एग्जाम एटलीस्ट बहुत अच्छा जाएगा। क्या बोला तूने? अभी बज रहे हैं 10:30, मैंने अपना लास्ट फाइनल एग्जाम जो है सबमिट किया है अभी ना यार, बहुत बड़ी चोट हो गई थी क्या ये वाला एग्जाम तो जाए, हमको गूगल फॉर्म में सबमिट करना था, तो मैंने गूगल फॉर्म को जैसे सबमिट करने वाला था मतलब सबमिट में क्लिक किया और वैसे लोड होना चालू हुआ और मेरा ब्राउजर क्रैश हो गया। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। अब मैंने वापस जब फॉर्म खोला तो फॉर्म हैज बीन लॉग लिखा रहा, तो मेरी फट गई भाई कि यार ये सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैंने ना जैसे ही हुआ मैंने अपने प्रोफेसर को मेल डाल दिया कि यार सर प्लीज कंफर्म ये सबमिट हुआ नहीं हुआ। प्रोफेसर ने आधे घंटे बाद रिप्लाई दिया, मैं तब उस आधे घंटे में मैं जानता हूँ मेरी हालत क्या हो रखी थी, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी यार। तो फाइनली उनका आया है कि यस इट हैज बीन सबमिटेड, अभी माइनस खत्म हो गए, अब ये वाला वीडियो मैं एडिट करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। फाइनली हुआ।